दोस्तों, पैन इंडिया स्टार प्रभास की मोस्ट वेटेड फिल्म आदि पुरुष को रिलीज होने में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। टीजर के रिलीज के बाद से ही फिल्म को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हाई VFX और CGI तकनीक से बनी ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है वो तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिल्म में किस तरह के विजुअल ट्रीट और ग्राफिक्स इस्तेमाल किया गया है और इसे बनाने में बजट और वक्त कितना लगा है। इस फिल्म के VFX की जिम्मेदारी प्रसाद सुधार ने संभाली है। उन्होंने फिल्म से जुड़ी सारी टेक्निकल चीजों को बड़ी ही सरलता से समझाया है। उन्होंने इस फिल्म के बारे में बताते हुए कहा, एक फिल्म का आधे से भी ज्यादा भार अगर VFX पर निर्भर हो जाता है तो वहाँ जिम्मेदारी किस तरह की हो जाती है। जब आदिपुर जैसे मैग्नम प्रोजेक्ट की बात हुई तो जहन में यही आया था कि इस तरह का काम पहले कभी नहीं हुआ है। अमूमन होता यही है कि जब VFX टेबल पर फिल्म आती है तो हम अपनी प्लानिंग प्रोडक्शन के काम के आधार पर शुरू करते हैं। मसलन आर्ट डायरेक्टर क्या करता है, एक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है, तमाम तरह के रेफरेंस होते हैं, लेकिन यहाँ फिल्म की शुरुआत ही VFX के टेबल से हुई है। डायरेक्टर और मेकर्स का विजन था कि उन्हें माइथोलॉजी की ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है जो अभी तक किसी ने देखी या सुनी नहीं होगी, जिसे आज के इस दौर में रिक्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है। मेकर्स को यही बात पता चल चुकी थी कि ये सब फिल्मी सेट पर होना असंभव है, चाहे आप कितना भी पैसा झोंक दे, भयो सेट बना ले, लेकिन वो असंभव वाली बात थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तक किसी ने रामायण का ये वाला वर्जन नहीं देखा होगा। दोस्तों, रामायण के इस वर्जन में ऐसा क्या अलग होगा, उन्होंने ये बताते हुए कहा, बहुत कुछ अलग है। हमने कुछ प्राइमरी किरदारों को CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के रूप में डिजाइन किया है, जो इंडियन सिनेमा में मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले किया गया है। यहाँ जो CGI किरदार है वो बाकी एक्टर्स के साथ समान लेवल पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। फिल्म में हर किरदार का एक नया लुक है। हमने जिस तरह लंका की दुनिया दिखाई है ऐसा किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। हमने यहाँ किरदारों के एक्शन के लिए एक्शन डायरेक्टर के एक्शन सीन्स कोरियोग्राफर करवाए थे। वो कोरियोग्राफ CGI किरदारों से कराना था, जो शूट पर असंभव नहीं था। ये पूरी तरह से VFX पर आधारित फिल्म है। यहाँ रोल्स रिवर्स ही हुआ था, हम अमूमन आखिर में ही आते थे। सच कहूँ तो हमने इससे पहले कभी इस तरह का किरदार डिजाइन नहीं किया था। यहाँ हमें शूट प्लान कर उसे डिजाइन करने में ही वक्त लग गया था। हमने शूटिंग से पहले ही फाइनल लुक तैयार कर लिया था। हर डिपार्टमेंट के हेड और एक्टर से मिलकर मीटिंग होती रहती थी। उन्हें समझाया जाता था कि CGI के साथ कैसे शूट करना है। चैलेंज यह था कि हमें खुद से ही अपनी अलग दुनिया बनानी थी। दोस्तों, अगर हम बात करें किस तरह की तैयारियां होती थी, उन्होंने इस बारे में बताते हुए कहा, सबसे पहले हम मेकर से घंटों तक जूम कॉल पर कनेक्ट होकर लिखा करते थे कि किसे क्या चाहिए। यहाँ काम सेट से ज्यादा टेबल पर हुआ है। मैं पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस इसमें निचोड़ दिया था। ये पहली बार था कि देश के साथ सबसे बेस्ट VFX एडिटिंग स्टूडियो के साथ मैंने एक साथ काम करना शुरू किया था। अभी भी इन सातों स्टूडियो में एक साथ काम चल रहा है। मैंने वहाँ के सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस CGI आर्टिस्ट और सुपरवाइजर को अपनी टीम में शामिल किया था। ये सभी आर्टिस्ट हॉलीवुड के बिग बजट फिल्मों में काम कर चुके हैं। यहाँ फिल्म 99% VFX के जरिए ही रिलीज होनी है, तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना है। यहाँ CGI किरदार को मैं डायरेक्ट कर रहा था, जो सब कुछ कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। प्रेशर यह है कि इसे ग्रैंड बनाना है और सही इमोशंस के साथ दर्शकों के सामने इसे पेश करना है। कंप्यूटर से जनरेटेड किरदारों से इमोशन इमोट करना बेहद मुश्किल चैलेंज से भरा रहा था। सब कुछ नया क्रिएट किया जाए तो डर होना लाजमी है। जहां मैंने पिछले फिल्मों में 5% किया है, तो यहां 95% VFX पर काम हुआ है। बाकी दोस्तों, आदिपुरुष फिल्म को लेकर आपका क्या राय है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।